नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लखविंदर की नृशंस हत्या मामले में अभी निहंग घिरे ही थे कि उनका एक और कारनामा सामने आ रहा है, जिसमें एक मजदूर की इसलिए टांग तोड़ दी क्योंकि उसने मुर्गा देने से मना कर दिया। मजदूर मनोज पासवान को सोनीपत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके दो वीडियो सामने आए हैं। पहली वीडियो 39 सेकंड की है, जिसमें सिंघू बॉर्डर का है। उसमें ज़मीन पर बैठा मनोज बता रहा है कि वह अपने रिक्शा में मुर्गा लेकर कुंडली और आसपास के गांव में सप्लाई करने जा रहा था। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। आराम से उठा ले भाई, काट दे फोन, काट दे, 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 वो क्या किया हमको, वहाँ से मैं बाहर से आया फार्म से, वो हमसे मुर्गा मांगा, मैं बोला कौन से निहंग बाबा, ऐसे बर्दी वाला था, ऐसे बर्दी वाला मिले वाला निहंग बाबा, हाँ जी, वो बोला मुर्गा दो, मैं बोला बाबा जी मुर्गा नहीं दूंगा, मेरा गिनती के हिसाब से आया सरकार ये पर्ची देखो, मेरे को सब गिनती पे आता देखो, एक गिनती का आता मैं मुर्गा नहीं दे सकता हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, फिर रास्ते में निहंग नवीन संधु ने उससे मुर्गा मांगा। जब उसने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे गिनकर सप्लाई मिलती है और लौट कर हिसाब देना पड़ता है, तो निहंग ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। जबकि दूसरा जो वीडियो है वो 44 सेकंड का बताया जा रहा है। सोनीपत अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटे मनोज कह रहा है कि मैंने जेब से मुर्गों की संख्या वाली पर्ची निकाल कर भी निहंग को दिखाई, पर्ची निकालते समय जेब में पड़ी बीड़ी मेरे हाथ में आ गई, जिसे देख कर निहंग ने गाली देते हुए कहा कि तुम बीड़ी पीते हो। जब इस पर मनोज पासवान ने कहा कि सभी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ मगर यहाँ तो नहीं पीता, इस पर उसने मुझे दोबारा पीटा। ये जो बात आ रही है और इसके बाद खबर आ रही है कि एक व्यक्ति की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, कि निहंगों का लगातार असली चेहरा सामने आ रहा है। वहाँ पे किसान आंदोलन में ये क्या क्या कर रहे हैं, देखते हैं अब इसमें आगे क्या एक्शन होता है। तो रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।